फाइनली अटारी बॉर्डर पहुंच गए। वापिस निकल पड़ा हूँ अमृतसर की गलियों में गोल्डन टेंपल जाने के लिए। रात में सीन बोलते कि अच्छे आते, इसलिए चलिए गोल्डन टेंपल जाते। फाइनली गोल्डन टेंपल में अंदर जाएंगे। बस ये वॉकिंग पाथ है और ये पूरे सारे तो देखिए समझो मंदिर तो है आगे। सो हाँ, चल के जाना पड़ेगा थोड़ा। वैसा होगा तो कल सुबह एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो बस जाते हैं देखते हैं। Like we've come to the end of the road. और रास्ते की तो बात ही मत करो, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री में हूँ। तो हाँ, मजा आ रहा है, कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. कल रात को व्लॉग वहीं पे खत्म कर दिया था, बहुत कुछ दिखाने लायक नहीं था। बट हाँ, आज अमृतसर में ही हूँ, अभी गोल्डन टेम्पल से 6 किलोमीटर दूर। और आ गए हैं वापिस बार अमृतसर के रास्तों में। चलिए जाते हैं गोल्डन टेम्पल। अभी तो बजे है सुबह के 7 बजे, वहाँ पे भीड़ कम होती है इसलिए सुबह जा रहे, और बाद में वहाँ से शायद जलियांवाला बाग कुछ नाश्ता भी करेंगे। Turn left onto way into Golden Temple. So बस पार्किंग में पहुँच गए, गाड़ी पार्क हो गए, अब तो डायरेक्ट यहाँ से मेन गेट ही जाना पड़ेगा। तो हाँ चलिए, ये रही रिक्शा रेडी। सो फाइनली पहुंच गए गोल्डन टेम्पल। ये पीछे दिख रहा है वो उसका मेन गेट है, अंदर जाना पड़ेगा चल के। तो हाँ चलिए अंदर जाते हैं अब तो। और ये यहाँ के नज़ारे देखो अब तो आप। सो ये सामने गेट दिख रहा है वो है गोल्डन टेम्पल। अंदर जाएंगे, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नॉट अलाउड, इसलिए यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे बाहर आके। चलिए अब रखते हैं यहीं पे। सो गुरुद्वारा तो देख लिया अंदर से, वो रहा उसका गेट। सो हाँ अंदर से देखा, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए कुछ वीडियो शूट नहीं किया था। बट हाँ ये एक ही फ़ोटो है, आप देख लीजिए, बस यही मेमोरी। और अंदर की तो बात ही मत करो, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। किसी को भी इंडियन हो या वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर से हो, यहाँ एक बार आना तो ज़रूरी है भाई। चलिए अब जाते हैं जलियांवाला बाग। अंदर जाते बाहर आते तो 2 घंटे हो गए, अब बस थोड़ी देर यहाँ पे घूमेंगे मार्केट में। और ये बस जलियांवाला बाग सामने है, तो वहाँ पे जाएंगे अंदर। गाइस गोल्डन टेंपल तो देख लिया, अब ये जलियांवाला बाग है। तो चलिए अब अंदर जाते हैं देखते हैं। सो गाइस जलियांवाला बाग में तो अभी खड़ा हूँ, और ये देखे तो वैसे डार्क मेमोरी भी कह सकते हैं हम इंडियंस के लिए, आज़ादी के समय की पहले की। सो गाइस ये वो प्लेस थी जहाँ से जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था कि फायरिंग करो, और यहाँ से वो फायरिंग स्टार्ट किए थे। और ये जलियांवाला बाग तो वैसे बड़ा है, आप देख सकते हो पीछे।
यस, ये रास्ता जाता है वो वेल की तरफ जो कुआ था और जहाँ पे हमारे इंडियंस सब इकट्ठा हो गए थे, और बुलेट मार्क्स भी इस साइड है। सो चलिए जाता हूँ इस साइड। जो आपने वेल की कहानी सुनी थी कि कुएं की कहानी कि हमारे इंडियंस उसमें अंदर गए थे, सो टोटल 120 अंदर गए थे और वो डेड हो गए थे, इसलिए रिकवर किया था। ये उसका वो लिखा है कि रहा कुआ, इतना ठीक से तो कैमरा में दिख नहीं रहा इसलिए कैप्चर नहीं किया। तो हाँ, अब आगे जाते हैं जहाँ पे ये बुलेट मार्क्स थी, जब ये गोलियाँ फायरिंग कर रहे थे तब दीवार में लगी थी, वो अभी भी वहीं पे है। ये वही प्लेस है जहाँ पे अभी भी बुलेट मार्केट, टोटल 1650 शॉट्स फायर किए थे, ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। सो हाँ, अगेंस्ट द रोल अटैक, सो ये रहे मार्क्स। और हाँ, यहाँ पे सब शूट किया था, 3.5 mm की गोली थी और 1650 शॉट फायर किए थे यहाँ पे। ये रही दीवार पीछे। ये था जलियांवाला बाग, आप देख सकते हैं पीछे, और यहाँ पे है उसका स्मारक, ये रहा मेमोरियल भी कह सकते हैं जलियांवाला बाग का। चलिए आपको और पास जाके दिखाता हूँ कैसा है। ये था जलियांवाला बाग, और अब शायद जाएंगे बाहर क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी भी इतनी है, इसलिए चलिए अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। और ये पसीना तो पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हो या नहीं, मुझे तो बहुत पसीना हो रहा है। तो बस अमृतसर हेरिटेज वॉक, वो वाला पीछे गेट है वहाँ तक ही था, अब तो ये सारी गलियाँ वापस आ गई है। हाँ चलिए अब जाते हैं पार्किंग के लिए, वहाँ पे कार पड़ी है, तो अब तो निकल जाएंगे शायद अमृतसर से, अहमदाबाद डायरेक्ट रवाना आपसे यहाँ से। अमृतसर में भी करा रहे और ये वीरेंद्र भाई करा रहे, तो हाँ अब तो रिक्शा में भी आके बैठ लिए यहाँ पे, तो अमृतसर में भी, अहमदाबाद में बैठा हूँ, पोरबंदर में, अब डायरेक्ट अमृतसर में ही बैठा हूँ। पार्किंग में तो पहुँच गया हूँ, कार आगे खड़ी है, वहाँ से अब डायरेक्ट फ्लाईओवर, और हालत तो देखो पसीने छूट गए वहाँ पे, तो बाहर गर्मी देखो 40 डिग्री या होगी, डायरेक्ट मनाली में 10 डिग्री 15 डिग्री से डायरेक्ट 40 डिग्री में आना खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ पे बस अब होटल पे खड़ा हूँ। टाइम हुआ है 1 या 2, बट डिग्री तो बात ही मत करो, गर्मी की तो बात ही मत करो, 39-40 डिग्री है। और हाँ, अब तो कुछ दिखाने लायक भी नहीं है क्योंकि जाने की जर्नी वापस ही है। सो फाइनली शिमला तो पहुंच गया। हाथ भी शेक हो रहे थे, हाँ उन्हें दिखा देता हूँ अब तो, मैं पकड़ लेता हूँ। हेलो दोस्तों, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सलीम खान, यू आर वाचिंग चैनल ऑफ जेके व्लॉग्स, जेके व्लॉग्स इन मनाली। हेलो, गुड मॉर्निंग टू जेके व्लॉग्स, और रोहतांग के पास पहुंच गए। सो गाइस, आई एम फाइनली हियर इन डेलहाउसी। We're lost again.